दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने विथे के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 40,247 पदों पर प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के 6,061 पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी। 11 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन के पूर्व अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश जारी किए और उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अगले 24 दिनों तक 24 घंटे जुट जाएं, तभी 24 का चुनाव जीतेंगे और पूर्णिया का सम्मान बचेगा। पप्पू यादव इससे पहले 4 अप्रैल को पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से अपने नॉमिनेशन का ऐलान कर चुके हैं और इसको लेकर वो हर दिन जनता के बीच जा रहे और इसी क्रम में उन्होंने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से भी मिले हैं। अगली खबर, गया के सेंट्रल जेल में छापेमारी। गया जिला पुलिस प्रशासन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से एहतियात बरत रहा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गया सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई, जिसमें जिला पुलिस प्रशासन को जेल के अंदर से कोई आपत्तिजनक सामान या वस्तु बरामद नहीं हो पाया और बताया जा रहा कि रूटीन के तहत गया सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई थी। अगली खबर, पीएचडी करने के लिए देनी होगी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। पीएचडी में प्रवेश के लिए एक नया नियम बनाया गया है। अब पीएचडी में प्रवेश के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा देनी होगी और इसकी तैयारी को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी और यह नियम 2024 से 25 के सत्र से लागू किया जाएगा। यूजीसी नेट अब केवल जेआरएफ या फिर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पीएचडी में प्रवेश के लिए भी होगा और पीएचडी में प्रवेश के लिए अब छात्रों को प्रवेश परीक्षा के रूप में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करना होगा। अगली खबर, राज्य के छपरा जिले से अनोखी ठगी। हेलो, मैं सदर थाना छपरा से एसएचओ बात कर रहा हूँ। आपका पुत्र 4 लड़कों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वह पकड़ा भी गया है एवं अभी वह मेरी गिरफ्त में है। उसे बहुत मार लगी है और मुंह से खून गिर रहा और वह बोलने लायक भी नहीं है। उसी ने आपका नंबर दिया है कि इस घटना के बारे में पिताजी को बता दीजिए। फोन पर सदर थाना के फर्जी थाना अध्यक्ष बताकर सोनपुर पहाड़ी चक के एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने 30,000 रुपए ठग लिए और इसको लेकर यहाँ के रामनंदन पासवान का पुत्र विशाल कुमार ने पटना साइबर थाना में पहुंचकर घटना से अवगत करवाया एवं इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई है। सूचक ने कहा कि वह पटना महेंदू में रहकर पढ़ाई करता है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का टारगेट दिया और बिहार में भाजपा के बूथ स्तर तक के 4.5 लाख कार्यकर्ताओं से मोदी ने वर्चुअल बातचीत की और कुछ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चुनाव के मुद्दे, चुनाव प्रचार के तौर तरीके की जानकारी ली। मोदी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार से लेकर मुद्दों को उठाने और भुनाने तक के टिप्स दिए, जिस पर अमल किया जाए तो एनडीए के लिए विजय मंत्र साबित हो सकता है। बड़ी खबर, अजय निषाद के बाद बिहार में एक और बीजेपी सांसद भागी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में बीजेपी के एक और सांसद भागी हो गए। सासाराम से बीजेपी एमपी छेदी पासवान एनडीए छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। वहीं बता दें कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि दोनों सांसद अपना टिकट कटने से बेहद नाराज चल रहे थे। कांग्रेस में शामिल होकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस छेदी पासवान को सासाराम तो अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बना सकती है। बड़ी खबर, लालू के एमवाई समीकरण को बड़ा झटका। ओवैसी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को समर्थन देकर बिगाड़ दिया है बिहार की सीट का खेल। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। साथ ही उन्होंने लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण बिगाड़ दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इससे पहले आईएमआईएम ने बिहार की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। बड़ी खबर, पीएम मोदी 72 घंटे में 2 बार बिहार आएंगे। जमुई के बाद नवादा में होगा चुनावी रैली। बता दें कि 7 अप्रैल को नवादा में पीएम की रैली की तैयारी की जा रही है। नवादा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने इसकी पुष्टि की और इससे नवादा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया है। नवादा और जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से अधिकतर सीटों पर पीएम मोदी की रैली करवाई जाने की तैयारी हो रही है और आज जमुई में पीएम मोदी की रैली है।
अगली खबर बिहार में मतदाताओं को नहीं पसंद आ रही कांग्रेस की गठबंधन वाली सियासत, गिरता जा रहा पार्टी का ग्राफ। कांग्रेस भले ही अपने खोए वजूद को तलाशने के लिए बिहार में गठबंधन का सहारा लेती रही है, लेकिन मतदाताओं को कांग्रेस की सियासत पसंद नहीं आती है। यही कारण है कि कांग्रेस का बिहार में ग्राफ गिरता जा रहा। कहा तो यहां तक जाता है कि गठबंधन को लेकर पार्टी के अंदर भी नाराजगी है, और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इस चुनाव के पूर्व भले ही कांग्रेस ने कई सीटों पर दावेदारी की थी, लेकिन इस चुनाव में भी पिछले चुनाव की तरह 9 सीटों पर पार्टी को संतोष करना पड़ा। बड़ी खबर, भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी द्वारा वितरित किए गए टिकटों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के सवाल को टालते हुए अल्पसंख्यक समुदाय से पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य पर विश्वास करने का आग्रह किया, और बता दें कि भाजपा और सामान्य रूप से राजग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से कम होने के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी कोई राशन की दुकान नहीं है जहां पर आप कोटा तय कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार में किसानों पर फिर से आई आफत, अब पछुआ हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, तेजी से सूखने लगी है गेहूं की फसल। दो दिनों से चल रही पछुआ हवा के कारण एकाएक रबी की फसल सूखने लगी है। इस वर्ष विलम्ब से बोई गई गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और गेहूं के पौधे के सूखते ही हार्वेस्टर से कटाई भी शुरू हो गई है। हालांकि इस वर्ष शुरू से थोड़े थोड़े अंतराल में वर्षा और बूंदाबांदी के चलते खेत में नमी रहने के कारण गेहूं की फसल भी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन पकने के समय तेज पछुआ हवा के चलते विलम्ब से बोई गई फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जाने वाली है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में वोटरों के पास जाकर उन्हें भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी करने वालों का सच बताएं। पीएम ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बिहार में इंडिया अलायंस के कुछ ऐसे नेता थे जो उन लोगों का समर्थन कर रहे थे जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। ऐसे नेताओं का सच लोगों को जरूर पता होना चाहिए। और पीएम मोदी ने कहा कि मिथिला संस्कृति में दामाद को ईश्वर माना जाता है, मगर यहाँ तो ईश्वर ही दामाद है। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों के बीजेपी बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख से चर्चा की है। अगली खबर, शहाबुद्दीन की पत्नी हीना का आरजेडी पर हमला। बिहार के सिवान में दोपहर गुठनी प्रखंड में हीना साहब ने अपने कार्यक्रम के दौरान राजद पर जोरदार हमला किया, और उन्होंने कहा कि मेरे पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को सींचने का काम किया, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, उनके नहीं रहने पर आज उन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। हीना साहब का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और आपको बता दें कि हीना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और इस बार सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। अगली बार, बिहार में बिजली कंपनी की बल्ले बल्ले राजस्व में 14% की बढ़ोतरी, 1852 करोड़ रुपए अधिक की वसूली। बिजली कंपनी ने समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड राजस्व की वसूली की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में बिजली कंपनी के राजस्व संग्रह में 14% की बढ़ोतरी हुई है, और बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस के मुताबिक समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के राजस्व संग्रह में 1852 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ कुल संग्रह 15107 करोड़ रुपए का रहा। अगली बार, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है, और राज्य के सभी जिलों में बूथ स्तर पर दबंगों, असामाजिक और गुंडा तत्वों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है, और इनमें ऐसे गुंडा तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें तड़ीपार करने का निर्देश दिया जा रहा, और सभी जिलों में DM के स्तर से यह आदेश जारी किया जा रहा। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में मतदान से पूर्व ही करीब 150 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, और इनमें 75 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल फरवरी माह में ही आ गए थे। अगली बार, बिहार में पहली से 12वीं कक्षा तक के अध्यापकों को मिलेगी टीचर डायरी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को भेजा निर्देश। राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में पहले से 12वीं कक्षा तक कार्य करने वाले अध्यापकों को टीचर डायरी मिलेगी, और इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालय में प्रतिदिन के कार्य के बारे में लिखनी होगी, और इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिलों में कार्य करने वाले अध्यापकों की सूची मांगी गई है। सूची के हिसाब से प्रत्येक जिले के प्रखंडवार डायरी भेजी जाएगी, और नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा पहले से 12वीं के शिक्षकों के लिए टीचर डायरी की आपूर्ति बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के द्वारा किया जा रहा, और टीचर डायरी की आपूर्ति सभी प्रखंड मुख्यालय में होगी। अगली खबर, लालू यादव की बेटी और बहू होगी आमने सामने। सारण के चुनाव प्रचार में ऐश्वर्या को उतार सकती है बीजेपी। रोहिणी आचार्य है RJD की संभावित प्रत्याशी। लालू यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या सारण में रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चंद्रिका राय की बेटी
ऐश्वर्य को सारण संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उतारेगी। सारण में आरजेडी से लालू यादव की बेटी और तेज प्रताप की बहन रोनी आचार्य संभावित प्रत्याशी है और उसके साथ ही बीजेपी ऐश्वर्या के रोते हुए पुराने वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकती है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सिंगापुर से बेटी को बुलाकर प्रचार करवा रहे हैं, लेकिन छपरा की बेटी ऐश्वर्या को न्याय नहीं मिल पाया। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, जिंदल 100 सहित इन तीन शेयरों पर लगाएं दांव। बता दें कि निफ्टी इंडेक्स पिछले कुछ समय से 22,500 के स्तर को मजबूती के साथ पार करने में संघर्ष कर रहा और इस बीच पेट्रोनेट एलएनजी, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और जिंदल 100 ये तीन ऐसी कंपनियां हैं जिसमें शेयर खरीदारी की सलाह है और जिंदल 100 में टारगेट प्राइस 540 रुपये है, वहीं स्टॉप लॉस 458 पर लगाने की सलाह है। शॉर्ट टर्म यह शेयर 11% तक रिटर्न दे सकता है। जिंदल 100 का शेयर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा जो कि लगातार तेजी का संकेत दे रहा। इसके अलावा शेयर की कीमत 20 दिनों के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और 50 दिनों के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है।